नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अपनी फिल्मों और अपने स्टाइल से बॉलीवुड में एक पहचान बनाने वाले करण जौहर इंडस्ट्री के एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ बहुत मजाकिया भी हैं। कुछ बातें करण जौहर की जिसे सुनकर आपको आ जाएगी हंसी। अगर हम आपसे कहें कि करण जौहर बहुत कंजूस हैं तो क्या सोचेंगे आप? जी हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि करण को देखकर अपने मन में एक इमेज बिल्डिंग करें तो आप क्या पाएंगे? शायद यही कि करण बहुत मजाकिया हैं और साथ ही सेंसिबल भी। लेकिन करण की एक ऐसी आदत है जिसके बारे में एटलीस्ट करण से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अगर किसी होटल में गए तो वहाँ की चीज़ें जैसे शैम्पू वगैरह रख लेते हैं जो किसी भी यूज़ में आ जाती है। लेकिन अगर करोड़ों के घर और लाखों के कपड़े पहनने वाले स्टार्स भी ऐसी हरकत करें तो हैरानी होगी। जी हाँ, खुद बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और होस्ट करण जौहर ने हाल ही में खुलासा किया कि वो भी अक्सर होटल से चीज़ें चुराते हैं और होटल के रूम में रखी शैम्पू की बॉटल को तो वो किसी भी सूरत में वहाँ नहीं छोड़ते। करण की आदत है कि उन्हें अपने बालों में भर भर के शैम्पू लगाना बहुत पसंद है, इसीलिए उनके शैम्पू का खर्च बाकी खर्चों से कहीं ज़्यादा है। अब ऐसे में उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो होटल से उठा लाते हैं। उनका कहना है कि ना जाने क्यों उस फ्री के शैम्पू की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है और वो किसी भी हाल में उसे छोड़ नहीं पाते। शैम्पू की दीवानगी करण के सिर चढ़कर बोलती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे होटल से उठाए बगैर उनका दिल नहीं मानता। वहीं करण के साथ इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार के जज रोहित शेट्टी का भी कहना है कि वो भी पैसे बचाने में ऐसे कई काम करते हैं जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाएंगे। रोहित ने बताया कि जब उनके घर का पेस्ट खत्म हो जाता है तो वो कैंची से काट कर उसका इस्तेमाल करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो आपने देखा कि करण किस तरह से शैम्पू प्रेमी है, वो होटल्स के शैम्पू को भी नहीं छोड़ते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।